आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कोलकाता की फेमस झालमुड़ी की रेसिपी। वैसे तो झालमुड़ी कई जगहों पे मिलती है, लेकिन कोलकाता की बात ही कुछ और है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस झालमुड़ी की रेसिपी को जरूर से ट्राई करें, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी झालमुड़ी की रेसिपी को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। झालमुड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून धनिया, 4 से 5 यहाँ पे हमने सूखी लाल मिर्च ले ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पैन में जीरा डाल देंगे और इसे चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब जीरा अच्छी तरीके से भुन जाएगी ना, फिर हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, जीरा जो है ना अच्छी तरीके से भुन चुकी है, ये देखिए। अब जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भी हम चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये लीजिए, सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरीके से भुन चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और ये आप देख सकते हैं, सारे मसाले जो है ना अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार लिया है, सारे मसाले को ना हम इसमें डाल देंगे। जार का ढक्कन लगा करके ना हम इसका बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, हमने बिल्कुल ही फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करके ले लेना है। इसे आप साइड करते हैं। अब झालमुड़ी में ना बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। अब हम इसमें मुरमुरे ऐड करेंगे, ये देखिए। अब साथ में यहाँ पे हमने उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे हमने उबले हुए आलू ऐड किया है, भिगोए हुए चने और उबले हुए यहाँ पे हमने मटर ऐड किया है, रोस्ट किए हुए मूंगफली भी हमने इसमें ऐड किया है, बारीक कटी हुई प्याज, साथ में लिया है हमने बारीक कटी हुई टमाटर, उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है मिक्सचर, साथ में यहाँ पे हमने लिया है वो जो बारीक वाली सेब भुजिया नहीं आती, बस वही हमने इसमें ऐड किया। अगर आपके पास बारीक वाली ना हो तो आप मोटी वाली सेब भुजिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने काला नमक ऐड किया। अब हमने जो मसाले तैयार किया था ना, 1.5 बड़े चम्मच यहाँ पे हमने ऐड किया है, 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पे हमने कच्चा सरसों तेल इसमें ऐड किया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे ना, इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये जो बर्तन है ना थोड़ी छोटी है, इसे हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम नींबू निचोड़ करके डाल देंगे, ये देखिए। 1 नींबू का रस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डाल देते हैं और इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, ये देखिए। इस तरीके से बनाएंगे ना तो झालमुड़ी जो है ना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होगी, बिल्कुल मार्केट के तरह ये लगेगी। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस झालमुड़ी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, ये देखिए। अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि मार्केट में इसे किस तरीके से देते हैं। और ये देखिए, कोलकाता की फेमस झालमुड़ी रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार है। वैसे तो झालमुड़ी सभी जगहों पे मिलती है, लेकिन कोलकाता की बात ही कुछ और होती है। अब इसके ऊपर ना एक हरी मिर्च डाल देते हैं, कई लोग ना थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं।
और ये देखिए कोलकाता की झालमुड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस झालमुड़ी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप जरूर से क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स में आप ज़रूर से लिखें कि आपको हमारी आज की कोलकाता की स्पेशल झालमुड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। Thank you.